हेलो गाइस, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप एंड यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको खेल यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराकर चल रहा हूँ जो कि बेनिफिशियल है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी आप जानते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितना कंफ्यूजन भी रहता है। तो वो सभी 35 के अप्रोक्स यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके चलें। साथ ही आप जो भी मैं क्वेश्चंस यहां पर करा रहा हूं 35 क्वेश्चंस की आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी की पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल होगी, तो आप सभी पीडीएफ को भी वहां पर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो लेकिन इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। लाइक करेंगे आपको आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी अच्छी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो ताकि हम बना सके। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो एशियाई खेल सबसे पहले आयोजित किए गए थे 4 अप्रैल 1951 में। नोट कर लें 4 अप्रैल 1951 4 अप्रैल 1951। ठीक है, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं तो आप एक कॉपी पेन लेकर चलें, ठीक है, साथ में इस वीडियो को देखते रहें और जो जो मैं आंसर बता रहा हूं उसको लिखते रहें, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि बार बार रट्टा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को मैं यहां पर बोलूंगा पढ़ूंगा और आप भी उसका साथ साथ आंसर लिखते रहें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए चलते हैं, क्रिकेट का मूल नाम क्या है। क्रिकेट तो सब जानते हैं क्रिकेट है, लेकिन क्या होता है इसको, क्रिकेट को बोला जाता है क्लब बॉल। क्या बोला जाता है? क्लब बॉल। ठीक है, एक नया क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की बाइबल विजडन क्या है। बाइबल एक प्रकार की वार्षिक पत्रिका है जो कि क्रिकेट के लिए ही बनाई जाती है। पढ़ा होगा ना विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017-2018 कौन है, तो ये क्रिकेट की ही एक वार्षिक पत्रिका है। चौथा है कि भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इनका पूरा नाम हो जाता है और नाम है इनका पल्लवुल्लाखंडी थक्के परम बिला उषा। बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही यूनिक नाम है, पल्लवुल्लाखंडी थक्के परम बिला उषा। ठीक है, साउथ इंडियन है ये और इनका नाम ये। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी बिलियर्ड्स से संबंधित है जानते हैं आप, और विश्वनाथ आनंद विश्व प्रसिद्ध हैं, शतरंज के एक महान खिलाड़ी हैं। ठीक, आगे चलते हैं, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सीके नायडू को। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट यानी कि महिला पुरुष कौन है। ठीक है, और ये है स्टीफी डिसूजा जो कि 1963 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, महिला है। और अगर पुरुष की बात की जाए तो गुरुवचन सिंह रंधावा जिनको 1961 में मिला, ये पुरुष है। गुरुवचन सिंह रंधावा और स्टीफी डिसूजा दोनों ही एथलीट हैं। ठीक है, और दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरुषोत्तम प्रथम पुरस्कृत हो गए, पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? वो थे ओ एम नामिब यार 1985। नेक्स्ट है कि पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है। प्रथम एथलीट हो जाते हैं मिल्खा सिंह 1959 में। ठीक है, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर है कि किस खिलाड़ी के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर,
हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की याद में उनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है, तो सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है वो है डूरंड कप, सबसे पुरानी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी, तो वो थी अंजलि राजगोपाल। भारत की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर अंजलि राजगोपाल। बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे। किरण बेदी जो कि आईपीएस रही हैं, ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था, ये भी खिलाड़ी थी और लॉन टेनिस की खिलाड़ी थी और इन्होंने जीता था एशियाई खिताब। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है कि पोलो खेलते समय, क्योंकि पोलो एक खेल से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी, तो वो हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं, तो वो हैं बीजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजू पटनायक। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, सुनील मनोहर गावस्कर, लिटिल मास्टर। और एक नाम सुना होगा आपने, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को और लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील मनोहर गावस्कर। फिर है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो पेले एक खेल होता है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो पेले को कहा जाता है। ठीक है, ये एक खिलाड़ी का नाम है पेले। ठीक है, रोनाल्डो रिवाल्डो व रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तीनों ही नाम है रोनाल्डो रिवाल्डो और रोनाल्डिनो, ये हैं तीनों ब्राजील के खिलाड़ी। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं, अभी मैंने बताया मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्मदिन 29 अगस्त को जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है, वो है वीरेंद्र सहवाग। क्लियर। नेक्स्ट है कि साइना नेहवाल को किस खेल में लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक मिला, तो वो मिला था बैडमिंटन के क्षेत्र में, ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था 2012 में। नेक्स्ट है कि किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है, विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है, विंबलडन के खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है। विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है, हरी घास के कोर्ट पर खेली जाती है विंबलडन। विंबलडन में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाती है सानिया मिर्जा। ठीक है, और बालिकाओं के युगल खिताब 2003 में इन्होंने जीता था, पहली महिला भारत की जिसने विंबलडन खिताब जीता था। फिर आता है कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ था, 1975 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट खेला गया था। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है, तो चेस रिव्यू के द्वारा दिया जाता है। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है, चेस रिव्यू के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया गया था, तो यह घोषित किया गया था कपिल देव को। किसको घोषित किया गया, कपिल देव को। नेक्स्ट है कि लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार कौन सा पदक जीते थे, तो उन्होंने जीता था रजत पदक, सिल्वर मेडल, लंदन ओलंपिक 2012 में सुशील कुमार। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, वो थे सीके नायडू। पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन बनाए गए वो सीके नायडू। फिर है कि मादाम तितली के नाम से कौन तैराक जाना जाता है, मादाम तितली, तो ये तैराक हैं वो हैं मैरी मीघर, मैरी मीघर। लैला अली, लैला अली का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी से संबंध है लैला अली। फिर आता है कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, वो है माइकल फेलप्स, अमेरिकी तैराक है माइकल फेलप्स, सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। उसैन बोल्ट जो कि जमैका के एक महान खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से, एथलेटिक्स है, जो कि दौड़ है। ठीक है, एथलेटिक्स
उसैन बोल्ट जमैका के। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि उसैन बोल्ट इनमें से कौन से देश के निवासी हैं, तो ये भी ध्यान रखें जमैका। लियोनेल मैसी महान खिलाड़ी, लियोनेल मैसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये है अर्जेंटीना। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया और यहाँ पर पूछा गया कि लियोनेल मैसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना। फिर आता है क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों और अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है, तो 18,426 रन हैं इनके वनडे में, 49 शतक हैं और 96 अर्धशतक इन्होंने बनाए हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने डिस्कस किए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूरी क्वेश्चन हैं, आसानी से आपको ढूंढने से मिलते नहीं हैं, तो आप इन्हें अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करके चलें, आप इन्हें नोट करके रखें, आप इसकी PDF डाउनलोड करके रखें और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, लाइक करने से मोटिवेट रहेंगे, आगे भी अच्छी अच्छी आपको काम की वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।